सेशन में हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, हर कोई तीन तीन चार चार मिनट की बात करेगा, थोड़ा बताएगा अगेन कि उनकी बुक्स क्या है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, और हमारे लिए उन तक जो एक्सेस है वो कैसे कैसे हो सकती है, ऑडिबल, प्रिंट कॉपी, किंडल। नमस्ते आप सभी को, आज फिर ताहिर भाई आपने अवसर दिया, बहुत बहुत आभार। मेरी तीन पुस्तकें हैं, महाभारत और रामायण पर, महाभारत अनरावल्ड 1, महाभारत अनरावल्ड 2 और रामायण अनरावल्ड। महाभारत रामायण पे वैसे देखा जाए तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाती रही हैं, हर वर्ष बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, पर 99.99% पुस्तकें जो होती हैं वो फिक्शन होती हैं, जिसपे महाभारत रामायण के केवल कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। अब जो ऑडियंस है, जो पढ़ते हैं, जो रीडर्स हैं, क्योंकि रामायण महाभारत क्या है वो तो बहुत ही कम पढ़ते हैं, महाभारत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, रामायण भी जब हम अधिकतर पढ़ते हैं तो जो पुनर्कथन, जो रीटेलिंग्स होते हैं वही पढ़ते हैं। इसके कारण समाज में स्पेशली यंगस्टर्स में बहुत सारे प्रश्न थे, होते हैं महाभारत रामायण को लेकर, जो मुझे भी थे, और उनका उत्तर कहाँ से मिले ये प्रश्न था। तो उसके लिए मैंने भी बहुत सारा फिक्शन पढ़ा। अब वो फिक्शन में ऐसा होता है कि सब जो लेखक लेखिकाएं हैं उनके उनके पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और कुछ कुछ पुस्तकें तो बहुत अच्छी भी लिखी जाती है, पर होता क्या है कि उससे और कन्फ्यूजन हो जाता है। अब महाभारत रामायण केवल कथा नहीं है, महाभारत रामायण को हम हमारा इतिहास कहते हैं, हम उन्हें धर्मशास्त्र भी कहते हैं, उनसे हमें जीवन की सीख मिलती है। हम कृष्ण और श्री राम, श्री कृष्ण की बात करते हैं जिनको हम अवतार पुरुष मानते हैं, और हम उनके जीवन से सीखें, ये इस इन इतिहास ग्रंथों का उद्देश्य है। पर अगर हम ग्रंथों को, अगर उन कथाओं को गलत समझेंगे तो उससे जो सीख लेंगे वो भी गलत ही होंगी, और यही कारण है कि समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ उन ग्रंथों को लेकर है। तो मेरा प्रयास ये था कि मुझे अपने उत्तर मिले, जो प्रश्न मुझे थे कि भाई युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों था कि कर्ण वैसे तो इतना अच्छा था पर उसके साथ हमेशा अत्याचार होता है, तो धर्म का अर्थ क्या, धर्म का अर्थ क्या, जो हम वैल्यू सिस्टम्स, जो एथिक्स कहते हैं, ऐसा कुछ था या नहीं था हमारे में। तो इन प्रश्नों से मेरी यात्रा ये ग्रंथ पढ़ने की शुरू हुई। फिर मैंने संस्कृत भी पढ़ा उसके लिए, क्योंकि मुझे ओरिजिनल पढ़ना था, और जब पढ़ा तब ये अनुभव हुआ कि बहुत सारे प्रश्न इसलिए थे क्योंकि जो एक्चुअली व्यास जी और वाल्मीकि जी ने कहा है वो तो मैं जानती नहीं हूँ, और जब वो जाना तो उसे लिखने का भी अवसर मिला। तो महाभारत अनरावल्ड 1-2 और रामायण अनरावल्ड में मैंने ऐसे तथ्यों को उजागर करने का प्रयत्न किया है जिससे बहुत सारे प्रश्न जो आज युवाओं में और औरों में भी है उसका उत्तर मिल जाएगा, जो बहुत सारे मिथक हैं, जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ये पुस्तक लिखने का उद्देश्य था, और इसका जो सोर्स है वो वेद व्यास जी रचित महाभारत, जो गीता प्रेस और क्रिटिकल एडिशन, मैंने इन दोनों को रेफर किया है, और रामायण में भी क्रिटिकल एडिशन और वेद व्यास जी का जो गीता प्रेस का ओरिजिनल संस्कृत है उसको रेफर किया है। पुस्तकें किंडल में हैं और हार्ड कवर्स भी हैं, यहाँ पर भी कुछ पुस्तकें हैं, तो आई होप आप सबको भी बहुत पसंद आए, धन्यवाद जी। बहुत आपने थोड़े शब्दों में पूरी बात कर दी। यहाँ पे चार धर्मा के राइटर्स बैठे हुए हैं और एक धर्मा वॉरियर भी हैं। मैं चाहूँगा कि तुफैल जी के साथ आरिफ अजाकिया जी भी बैठे, प्लीज़। अब मैं उस बुक की तरफ जाता हूँ और उसके ऑथर की तरफ बढ़ता हूँ। कुशल मेहरा, भारत का एक बहुत बड़ा नाम पॉडकास्ट में, और नई जो वहाँ पे अवेयरनेस है यंग जनरेशन में, मैं आपको बताऊँ कि कुशल का और इनके कुछ साथियों का इतना कंट्रीब्यूशन है, मैं थोड़ा सा भारत को जानता हूँ, जिनमें एमी भी शामिल हैं, नए लोगों के लिए, नई पीढ़ियों के लिए जो एक जियोपॉलिटिक्स की बात हो रही है और जो हमारे एक थीम का भी हिस्सा है, इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर। अब 1.4 बिलियन लोगों का देश कैसे दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में इंक्लूसिव नहीं है और कैसे हो सकता है, और फिर धर्मा सिविलाइजेशन, वो एक्चुअली धर्मा सिविलाइजेशन कैसे इंक्लूसिव हो सकती है, तो कुशल ने वही बातें डायरेक्ट अंदाज से भी, इनडायरेक्ट अंदाज से भी अपनी किताब में लिखी है। कुशल जी, हमारे पार्टिसिपेंट्स को परिचय कराइए अपनी किताब का, थीसिस अपना क्या है आपका। नमस्ते ताहिर भाई, थैंक यू वेरी मच।
तो एक्चुअली मैं तो कोई किताब लिखने का कोई मेरा तो कोई प्लान था नहीं, ये तो अम्मी ने और हर्ष ने फोर्स किया मुझे किताब लिखने को। तो अगर किसी को मेरी किताब अच्छी नहीं लगी तो अम्मी की गलती, अच्छी लगी तो भी अम्मी को क्रेडिट, मैं तो कोई प्लान नहीं था। तो मैं तो बड़ा खुश था, पॉडकास्ट कर रहा था, प्रश्न पूछता था और कोने में बैठ जाता था। पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। मैं रोज़ 4 से 5 घंटे पढ़ता हूँ रिलीजियसली, जैसे नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ मैं। पहले 10 साल सिर्फ रिलीजन पढ़ा और उसके बाद अगले 10 साल से मैं फ़िलासफ़ी साइंस बेसिकली उसी में स्टिक करता हूँ। और फ़िलासफ़ी में मेरा बैकग्राउंड, मेरी मास्टर्स फ़िलासफ़ी में थी, तो बोथ वेस्टर्न एंड इंडियन फ़िलासफ़ी दोनों की बेसिकली पढ़ाई की। तो उसके बाद हम लोग हमेशा बॉम्बे में बैठते थे, तो ये मेरे को हमेशा बोलती थी कि तू लिख किताब, हम लोगों को दुखी करता रहता है, थोड़ा दुनिया को दुखी कर दे। तो फिर ये लिखी किताब। तो मैंने सोचा फिर लिखें किसके ऊपर, तो आई ऑनेस्टली डिड नॉट बिलीव कि मैं कोई वैल्यू ऐड कर सकता था जियो पॉलिटिक्स के बारे में लिख के या इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में लिख के। मुझे नहीं लगता था कि मेरी वो, मुझे उसके बारे में लिखना था। तो मेरी लाइफ की जो जर्नी थी, ये किताब बेसिकली मेरी लाइफ की जर्नी है और जिसमें मैं इंडियन दर्शन, या जिसको हम अगर अंग्रेज़ी में फिलोसॉफिकल लैंग्वेज यूज़ करें तो उसको एपिस्टोमोलॉजी बोलते हैं, और दोनों को मैंने दोनों लेंस से समझाया है कि द एम। ये बुक लिखने का कारण ये था कि आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि आपके बीच में कितने नास्तिक और कितने निरीश्वरवादी रहते हैं, आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। उसका कारण है कि एक धार्मिक जो संप्रदाय होते हैं उनमें नास्तिकों को या निरीश्वरवादियों को निचला नहीं समझा जाता। मगर ख़ास तौर पे मेरी आंखें तब खुली थी जब मैं वेस्ट में रहता, जब मैं यहाँ पे आया था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि जब एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड का बच्चा जो होता है, जब वो अपनी फेथ लूज़ करता है तो उसको एक्सकम्युनिकेट किया जाता है चर्च से। जो मुस्लिम बैकग्राउंड का बच्चा होता है उसके साथ तो पता नहीं क्या क्या होता है, मैं अभी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैंने मम्मी को नाश्ता करते हुए बोला मैं नहीं मानता, मम्मी ने बोला चुप हो जा तू बैठ जा नाश्ता कर ले, और वही ख़त्म हो गया। तो मतलब मैं बोला यार, मतलब रसल पीटर्स ने एक बहुत अच्छा जोक मारा था, एक बड़ा फेमस कैनेडियन कॉमेडियन है जिसको मैं बुक में कोट भी करता हूँ, कि वो क्या होता है कि यहाँ पे आप मल्टीकल्चरल स्कूल्स में जाते हो तो ब्लैक किड्स होते हैं, ब्राउन किड्स होते हैं, तो ब्राउन बच्चा आके बोलता है माय मामा वुप माय एस, सो ब्लैक बोलता है माय मामा वुप माय एस ट्वाइस, गोरो बोलता है माय मॉम ग्राउंडेड मी, शी जस्ट टोल्ड मी टू सिट इन द कॉर्नर। सो व्हेन आई यूज्ड टू बी इन एथियस्टिक फोरम्स, तो आई यूज्ड टू बी दैट वाइट किड जिसका कोई मतलब, मेरी कोई सनसनीखेज खबर नहीं थी कि मेरे को बड़ी प्रताड़ना हुई मेरे साथ, मेरे को किसी ने मारा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद एक नास्तिक होने के नाते किसी ने अपने कल्चर और अपनी सिविलाइजेशन को नमन नहीं किया कि भाई हम हैं, आप हमारी इतनी इज्जत करते हो, आप हमें अपने परिवार का सदस्य मानते हो, तो आई थिंक हमें भी बोलना चाहिए। और दूसरा था कि एक फ्लॉड मूवमेंट शुरू हो रही थी इंडिया में, डीपली इंस्पायर्ड बाय मार्क्सिस्ट थॉट। मैं हाईली अपोज टू मार्क्सिस्ट थॉट, टू जस्ट टू स्टेट इट ऑन रिकॉर्ड, मैं एपिटमी ऑफ एंटी मार्क्सिज्म हूँ अगर कोई हो सकता है तो। तो मुझे लगा कि ये जो मार्क्सिज्म क्रीप इन हो रहा है हमारे एथियस्टिक मूवमेंट में इंडिया में, उसको जवाब देने की ज़रूरत थी। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में मैं सिर्फ 2 फोरम से फेंका गया हूँ बाहर इंटरनेट पे, वो दोनों फोरम एथियस्टिक थी। मुझे किसी धार्मिक फोरम से कभी फेंका नहीं गया, मैंने क्वेश्चन किए उनके बिलीव्स, मगर प्यार से किए, प्रश्न पूछे, बोला इसका क्यों मतलब है, इसका क्यों मतलब है, कभी नहीं, मुझे कुछ नहीं। मैं जाके, मुझे कभी नहीं भूलेगा, 2 फोरम है, एक रिचर्ड डॉकिंस की थी जो बड़ा फेमस एथियस्ट है रिचर्ड डॉकिंस, और एक है हमारे मार्क्सिस्ट है इंडिया में, वो चलाते हैं एक फोरम निर्मुक्त। मैंने उधर जाके कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि भाई ये जो तू इनको कन्वर्ट कर रहा है तो तू भी मानता है ना कि तू कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया। तो उसने बोला द रीजन आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ एन एथियस्टिक फोरम इज वाई आर यू कन्वर्टिंग एथियस्ट आउट ऑफ कन्वर्जन। ये थोड़ा मतलब एकदम ही इन्वर्जन लूप हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग मुझे फेंक क्यों रहे हो। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड ओके आई विल राइट दिस बुक, टू बी एक्सप्लेनिंग दिस इन द लास्ट लाइन इज माय बुक इज एन ओड टू माय कल्चर एंड आई एंड माय बुक इन चैप्टर 6 बाय स्टेटिंग व्हाई आई एम अ हिंदू
एंड बेसिकली दिस वॉज माई मैसेज टू अ टाइनी माइनॉरिटी इन इंडिया जो कहने की कोशिश करती है कि एथीस्ट आर नॉट हिंदू. दिस वॉज माई प्रोवर्बियल मिडिल फिंगर टू देम. आई एम अ हिंदू, आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर, यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट टू. तो कुशल के आप पॉडकास्ट सुने देखें. जी आपको यही कहना चाह रही है कुशल. कुशल को मैं बहुत वर्षों से जानती हूँ और बहुत वर्षों से ये जो कह रहा है दैट ही रीड्स 4-5-6 आवर्स अ डे, ही एक्चुअली रीड्स 3-2-3 इवन मोर बुक्स इन अ वीक. इतना वो फटाफट पढ़ता है. तो जब हम उसे कह रहे थे कि तू लिख, तो पहले तो ये बहुत, वो आपने देखा ना वो कैसे बात करता है, मैं नहीं लिखता, तो यही उसका एटीट्यूड होता था. फिर लिखना शुरू किया, फिर बोलता है ठीक है एक ही बुक लिखूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, एक ही बुक लिखूंगा. अब इसके पास 4-5 बुक्स के ऑलरेडी आइडियाज़ हो गए, आउटलाइंस हो गई, ये सब है. तो हम सबको पीछे छोड़ के उसकी बुक्स आ जाएंगी, ऐसा है. नो थैंक यू एनलाइटनिंग अस. जी मैं बहुत सालों से 2011 से YouTube पे हूँ और इसी दौरान मुझे एक ईमेल आई नील नाथन जी की. इन्होंने कहा कि वो एक बुक लिख रहे हैं. तो मैंने कल भी बताया था, हम कल वाली बातें कुछ दोहरा भी रहे हैं. तो मैंने इनकी बुक का आइडिया सुना इनसे, तो मुझे मैंने कहा इस तरह की तो अश्विन सांगी का वो नावल कृष्णा कुंजी भी मुझे याद आता है. फिर जब इनका नावल पब्लिश हो गया, इन्होंने ही वाज सो काइंड, इन्होंने मुझे उसकी कॉपी भेजी, तो वो तो बहुत डिफरेंट एंगल से था. कल भी आपने इनकी बात सुनी. तो नील जी मैं चाहूँगा कि आप, आज बहुत सारी ऑडियंस न्यू है, आप बताइए कि आपका नावल जो राज महल यहाँ पड़ा हुआ है, राज महल जो है वो क्या है, कैसे इंस्पिरेशन आपको मिली लिखने के लिए और क्या आपका अब अगला जर्नी है? थैंक यू ताहिर भाई. गुड आफ्टरनून एवरीवन. एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर इन एन एलीट कंपनी. आई एम काइंड ऑफ एन ऑड मैन आउट हियर. Once again, the name of my novel is Raaz Mahal. There is slight, you know, nuanced difference in the pronunciation. In Hindi, we call it Taj Mahal, Raaz Mahal. But if you ask an American or Canadian, it's Taj Mahal, right? That's the way they pronounce. So that's why my book is Raaz Mahal, The Palace of Secrets. And there is a kind of a, it's a double meaning there. Raaz is a Persian word, Urdu word, which means secret. So it's a like a double title. As I said yesterday also, again, I was not planning to write any novel. I was not thinking of any big tome as such. I'm an engineer, IT consultant, management consultant. But a few years ago, some interesting material came in front of me about Taj Mahal, and it piqued my interest, and I started researching one after another. In a few years, I had a collection of very interesting, about 20 to 25 references to Taj Mahal. Again, it's all public domain. People must have looked at it, must have observed it, must have read about it. But then I started collecting, putting them in my engineering hat on, consulting hat on, started putting all the references on a timeline. I started drawing flow charts, and it started telling me a different story. Already there are some controversies about Taj Mahal and its origin. P.N. Oak has done tremendous work. Professor Wayne Bagley of Iowa University has done tremendous work. But I said, okay, let me take these references and how do I convey it to people? I said, maybe writing a novel may be a good idea. And I decided to give it a try. I thought maybe I'll just write, you know, 3 or 4 pages of, you know, an outline. But those 3 or 4 pages became 300 pages in the span of 7 to 8 months. And that's how Raaz Mahal, The Palace of Secret was born. Now it's been already translated in Hindi and Marathi in India. As Tahir Bhai said, it's already available on Audible, ebook also. But the main theme of the novel is, again, getting that research out in a novel and a fictional story format. So there is an overarching story, a fictional story, and underlying there is a research. Overarching story, again, I don't compare myself, but I'm a big fan of Dan Brown. So Dan Brown, Da Vinci Code, if anyone has written, they might find some similarity. Again, the stories, there is an RTI petition to the government of India and asking them to, okay, tell us the evidence behind the current legend of the Taj Mahal. The Shahjahan built it, 22 years, 20,000 laborers, architect came from Italy, so on and so forth. But just tell us what's the evidence. Where is this coming from? Where is the story? Is it ever documented? So the RTI petition goes to the Bureau of Archaeology, again, a fictitious department. They dump the case on Vijay Kumar, our hero, the protagonist,
And then that's where the whole story starts. What does Vijay Kumar really discover about the evidence behind Taj Mahal? Does it reconcile with the current story, or does he find something different? And then what happens to Vijay Kumar? What happens to his thesis? What happens to his team? And then where does the matter go? What's the next step? That's why you have to read my novel. As far as what next step is concerned, the feedback that I've been getting from people is, what's next? What's next? Because deliberately, I've left few threads, you know, unrevealed there or untangled there. So there is going to be a sequel. I'm working on it. I don't promise, but I'm working on it as to what happened to Vijay Kumar and then what happens to the case of Taj Mahal and finding its right evidence. So that's where I am. थैंक यू नील जी. मैं तुफैल जी की तरफ बढ़ने से पहले, कल मैंने तारिक फतेह जी को कोट किया था, वो दोबारा रिकोट कर देता हूँ. तो कहने लगे, यार ये अच्छा भला आदमी तुफैल, विनय इसका नाम है, ये उर्दू गज़ल के इश्क में ये मुस्लिम नाम रख बैठा है, यार देखो इसकी मत मारी गई है. खैर ये तो तारिक जी का कोट था. मेरा अपना जो डिस्कवरी थी तुफैल जी के बारे में, वो यूँ हुई कि मैं इनको जानता था, जयपुर डायलॉग, संजय डिक्सन हमारे कॉमन फ्रेंड हैं, मैं उस पर सुनता था इनको. फिर पिछले बरस मैंने ऐसे ही गूगल किया, मैंने कहा मैं तो फै मेरा पक्का ख्याल था कि आप मुस्लिम फेथ क्लब में पैदा हुए. मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ. एक साल पहले जब मैंने तुफैल जी गूगल किया, मैं आज अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने कहा तुफैल जी को सुन रहे हैं तो मैं गूगल करूं इनकी क्या क्या बुक्स हैं. तो विनय कृष्ण चतुर्वेदी, रेखता पे इनकी गजलें लगी हुई हैं. मैंने कहा ये क्या है? मैं कनेक्ट था इनसे, मैं तो तुफैल ही समझ रहा हूं उनको. मैंने फ़ोन खड़काया, मैंने कहा तुफैल जी आ जाएं फिर मेरे साथ मेरे शो में, ये हमें क्या दचका दे रहे हैं आप. तुफैल जी, अब हम आपके यूट्यूब को सुनते हैं, वो धर्मा है, डांडा धर्मा है. मैं पंजाबी की टर्म यूज़ कर रहा हूँ, अगरचे तीन मेरे साथ बॉम्बे के बैठे हुए हैं साथी वन बाय वन. हाँ, आप तो नोएडा के रामपुर के हैं, नवाबों के फैमिली से हैं. हम आपके घर गए नोएडा में तो यूँ लगा जैसे मैं आसिफुद्दौला के घर में आ गया हूँ. जो माहौल था जी, तो ये माहौल है, ये कैसे हुआ? खासा कंट्रोवर्शियल मामला है, बात करता हूँ उस पर, मगर मुझे थोड़ा सा 5 मिनट दीजिएगा. जॉन एलिया साहब का एक शेर है, एक ही फन तो हमने सीखा है, एक ही फन तो हमने सीखा है, जिससे मिलना उसे खफा करना. तो ये हमारा काम है. देखिए, मैं एक बात बिल्कुल साफ सी है, जिससे दुनिया में ह्यूमैनिटी की जो कदरें बनी हैं वो आई है कि हम सारे लोग एक बराबर हैं. आप बादशाह हैं, मैं ग़ुलाम हूँ, ये नहीं चल सकता. औरत और आदमी के हकूक़ बराबर हैं. तो ऐसी हर सोच जो इस सोच के ख़िलाफ़ है, जिससे इंसानियत डेवलप होती है, मानवता आती है, उसके ख़िलाफ़ ज़िद के साथ अपनी गर्दन देनी पड़े तब भी बहस कीजिए, लड़िए, जूझिए, पंजे डालिए. उस इस मामले में इजहार के लिए जो तरीका मेरे पास था वो प्रोज का था. मैं बोल सकता था क्योंकि शायरी का ये सब्जेक्ट नहीं है, और नर्सरी शायरी जिसे नसरी शायरी कहते हैं वो मुझे आती नहीं, मैं समझ नहीं पाता, उसको कर नहीं पाता, उसके जाब्ते कायदे मुझे नहीं आते. तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि क्योंकि दूर किसी 10-12-15 घर के बाद या अगले मोहल्ले में कहीं आग दिखाई दे रही है और आप उसे बुझाने नहीं दौड़ते, तो घंटे दो घंटे में आपका घर भी ज़द पे आएगा, बच नहीं सकते. तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए. बहुत सारे लोग इन फेथ्स के मेरे दोस्त हैं, जो बहुत सारे लोग पर्सनल टॉक में ये कहते हैं कि यार बात तो ठीक कह रहे हो तुम, और मैं ही नहीं और लोग भी बात ठीक कह रहे हैं. डर ये है कि बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी, उसे लड़की कहाँ से मिलेगी, लड़का कहाँ से मिलेगा, हम शाम किसके साथ बैठेंगे, हमारी बीवी किसके साथ शाम गुजारेगी, बच्चे किसके साथ खेलेंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से आउटकास्ट कर दिए जाएंगे. तो कोई तो साहब पंजे डालेगा. एक शेर सुनाई देता हूँ अपना, मस्जिद पे हूँ कि बदलने हैं वक्त के तेवर,
मस्जिद पे हूँ कि बदलने हैं वक्त के तेवर, उलझ रही हैं खुदाओं से मुट्ठियाँ मेरी। तो ये करना तो पड़ेगा। और शायरी साहब वो मेरी ज़िंदगी है, वो मेरा ईमान है, वो एक ऐसा काम है जो अगर मुझे नहीं आता तो मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं रहता। मैं अधूरा नहीं रहता, मैं होता ही नहीं। शायरी एक ऐसी चीज़ है और ये मेहनत का काम है, ये नर्सरी शायरी नहीं है। इसमें पैर पसार के बैठना पड़ता है, लफ्ज़ों से लड़ना पड़ता है, आपको अपने एक फॉर्म बनानी पड़ती है। और मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, बल्कि जिन्होंने मुझे बुलाया है मैं जानता हूँ कि वो नर्सरी शायरी करते हैं। तो एक ही फन तो हमने सीखा है, जिससे मिलना उसे खफा करना, तो कर दिया जी, नहीं बल्कि जी खुश कर दिया आपने। तो वैल जी खुश कर दिया। कल मैंने कहा था कि मैंने और आरिफ अजाकिया जी ने तो कश्तियां जला दी हुई हैं। हमने ये कह दिया कि भाई हम अब इधर के ही हैं, अपनी सिविलाइजेशन के ही हैं। वो बुल्ले शाह का एक शेर है पंजाबी, कुशल जी भी जानते हैं और बहुत सारे लोग समझते हैं, जेड़ा सानू सैयद आखे दोजख मिले सजाइयाँ, जड़ा सानू अराई आखे जन्नत पींगा पाइया। तो मैं और जो हैं आरिफ अजाकिया जी अपने अराई मुर्शद पे खुश हैं। आरिफ जी बहुत शुक्रिया। ताहिर भाई पहले तो आपका शुक्रिया कि मैं एक सीखने के मरहले में हूँ और मैं यहाँ दो दिन से काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ, काफ़ी मुझे सीखने को मौका मिला है। मैं ख़ास तौर पर कुशल भाई का नाम लूँगा, तीन दिन से मैं इनसे मिल रहा हूँ और जब सुनता हूँ तो मेरे दिमाग की खिड़कियाँ खुल जाती हैं। ये नई सोच है, इनकी सोच डिफरेंट होती है और सोचने पे मजबूर करती है। तो उससे ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज भी मैंने कई लोगों को सुना, बात निकली नाम पर, तो मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं महाकाल के दर्शन पे गया और वहाँ से मुझे सीधा एयरपोर्ट जाना था, इंदौर फ्लाइट थी। तो जब मैं इंदौर एयरपोर्ट पे गेट पे पहुँचा तो उसने पासपोर्ट मेरा मांगा, मैंने पासपोर्ट दिया। अब वो मेरी शक्ल देख रहा है, यहाँ पे सारे लगे हुए हैं ठीक है, और नाम देख रहा है मोहम्मद आरिफ। मुझे कहता है महाकाल से आए हो? मैंने कहा जी, मोहम्मद आरिफ नाम है। मैंने कहा क्यों, मोहम्मद आरिफ शिव भक्त नहीं हो सकता? कहता नहीं नहीं हो सकता, ये लीजिए। तो नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। अब नाम तो माँ बाप ने लगा दिया है, अब चेंज करने में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कई दोस्त मैसेज करते हैं, अरे भाई घर वापसी कर लो। मैंने कहा अब लिख के सर्टिफिकेट दूँ कि घर वापसी कर ली है। अब यहाँ पे मैं कोई प्रोग्राम रखूँ, बड़ा सा हॉल बुक कराऊँ, वहाँ पे सबको बताऊँ कि हाँ जी घर वापसी कर ली है। ये यहाँ से होती है घर वापसी, पब्लिसिटी से नहीं होती, ठीक है ना। हमारा ताल्लुक डायरेक्ट उन भगवानों से है जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया। राम जी से शुरुआत हुई, राम जी से पता नहीं एक लगाव लगने लगा। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे फ़ोन किया, बोला तुम राम राम करते रहते हो। तो मैंने कहा मेरे पुरखों ने श्री राम जी के दौर में बड़ा सुकून का पीरियड गुजारा। हिस्ट्री नहीं बताती कि उनके दौर में किसी के ऊपर अत्याचार हुआ हो। तो मैंने कहा जब मेरे पुरखों ने उनके दौर में इतना अच्छा वक्त गुजारा तो मैं उनका भक्त क्यों नहीं हो सकता। फिर मेरा रास्ता शिव जी की तरफ। अच्छा, शिव जी से मैं हमेशा डरता था। जैसे हमारे ख़ानदान में एक बुज़ुर्ग होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, उनसे हर आदमी डरता है, बच्चा भी बात नहीं करता उनके सामने, ऐसे में हमेशा। लेकिन एक बार शिव जी ने जब बुलाया, अब यहाँ पे सारे लेखक बैठे हैं, किताबें लिखते हैं, मुझे भी बड़ा शौक होता था लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि ये भी एक आर्ट है। मैं काशी गया इस साल। जब मैं काशी पहुंचा ना तो मैंने फिर सोच लिया कि मैं भी एक किताब लिखूंगा। अब मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूं, माय जर्नी फ्रॉम काबा टू काशी। 7 हज किए हैं, सैकड़ों उम्रे किए हैं और यात्रा 2 साल में इतने किए कि मेरे अक्सर लंदन में हिंदू, मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं लंदन में, वो मुझे कहते हैं कि आरिफ भाई हमने ज़िंदगी में इतनी यात्रा नहीं की जितनी तुमने 2 साल में कर ली। तो ये है कि ये उनकी मेहरबानी से, मेरी औकात नहीं है कि मैं ये यात्राएं कर सकूं, और ये उनकी मेहरबानी है कि वो मुझे इतना मौका देते हैं।
मेरा टॉपिक धर्म नहीं है, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ अभी, और मैं अभी कुछ नहीं जानता। जैसे मैं ऋषिकेश में गंगा मैया में पानी में पांव डाल के बैठा था, तो मैं पानी लेके यूं सर पे कर रहा था, तो वो फोटो वीडियो लगाई मैंने, तो ट्विटर पे एक नीचे ने लिखा, कहता साला तू मुसलमान रहेगा, वजू कर रहा है तू उधर क्या। अच्छा, हमारे यहाँ होता है पानी यूं पीछे डालते हैं, ठीक है, मैं यूं पानी, अच्छा मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे गंगा मैया में पांव डाल के बैठा था और सर पे डाला। अच्छा, सर्दियां थी, दिसंबर का महीना था, जनवरी का, तो वो कह रहा है तुम वजू कर रहे हो कि मुसलमान ही रहोगे तुम, ठीक है। अब ये तो आपके अंदर है कि आपकी बिलोंगिंग है गंगा मैया से है। शिव जी से मैंने कहा मुझे एक तो पाप धोने हैं हरिद्वार में, और एक काशी जाना है। पिछली बार आया था तो अयोध्या भी सोमनाथ भी सब चीज़ें कर ली, काशी बुलावा की बात होती है ना। 1 फरवरी था और मेरा ट्रिप 1 फरवरी का था, और यूपी में इलेक्शन थे, मोदी जी योगी जी उधर थे, और 1 फरवरी शिवरात्रि भी थी, तो मुझे सबने मना कर दिया, बोला तो नहीं जाओ भाई, वहाँ पर लाखों लोग होंगे सिक्योरिटी का। तो मैं वापस लंदन आ गया, तो मुझे एक अंदर से कसक रह गए कि यार काशी नहीं जा सका, हरिद्वार नहीं जा सका, जहाँ से शुरू होना है और जहाँ पे ख़त्म होना है। तो इस बार फिर शिव जी ने मेरे ऊपर कृपा की, और जब मैं काशी पहुँचा तो मैं बता नहीं सकता अपनी फीलिंग किताब में बैठ के सुकून से, क्योंकि जब आप बोलने बैठते हो ना तो 10 चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन किताब में आप सुकून से अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। मकसद मेरा किताब लिखने का एक ही है कि शायद 1000 नहीं 100 नहीं 10 नहीं 5 लोग शायद रास्ते पे आ जाएं, जो करेक्ट रास्ता है, जो मैं समझता हूँ कि मैंने इस धर्म में सनातन में और इस देश में जो सनातनियों का है भारत, मैंने जितनी बर्दाश्त देखी है, जितनी कोएग्जिस्टेंस देखी है, कहीं नहीं देखी, दुनिया देखी है भाई। 40 साल से परदेश, और इससे पहले सऊदी अरब में बचपन गुजरा, दुनिया देखी है, लेकिन ऐसा देश नहीं देखा, ऐसे देशवासी नहीं देखे, ऐसे लोग हैं कि सबको अपना मानते हैं, दुश्मन को भी अपना मानते हैं। शायद यही वजह है कि आज कुछ मसले हैं भारत में कि हमने दुश्मनों को भी अपना ही मान के रखा है, लेकिन यह है कि आफ्टर ऑल भगवानों का देश है, हमेशा सलामत रहेगा, हमेशा टॉप पे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी। आखिर में मैं अपने बारे में भी दो लाइनें कह देता हूँ, जो मैं अपनी किताब में लिख रहा हूँ। मेरी किताब का टाइटल है पाकिस्तान में एक हिंदुस्तानी। उसमें मैं यही कह रहा हूँ कि मैं लॉर्ड राम के शहर लाहौर के सर गंगा राम हॉस्पिटल में पैदा हुआ और कृष्ण नगर रहता था। मेरे बाप की छोटी सी हट्टी जैन मंदिर के पास होती थी। शाम को हम निकल के लक्ष्मी चौक चाय पीने जाते थे, और वहाँ से दयाल सिंह कॉलेज से होते हुए, ग्वाल मंडी से होते हुए, पैदल चलते हुए वापस अपने घर को पहुँचते थे। तो ये है मेरी वो किताब का जो एसेंस। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ।